हम लोग का ये सैंडविच रेडी हो रहा है ऑलमोस्ट। एक साइड का तो हो ही चुका है और एक साइड ये भी रेडी होने लग गया है। तो कैसे बन रहा है? हेलो दोस्तों, आज और एक नए दिन की शुरुआत हो रही है नए ब्लॉग के साथ। तो पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे थे कि हम गए थे एक दुकान पे, तो वहाँ 5:30-6 बजे गए थे। तो वहाँ से अभी तुरंत हम घर आए हैं, तो फ्रेश फ्रेश होके हम बैठ चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा मैच देख रहे हैं, तो देखिए वो टीवी में अभी मैच चल रहा है, तो थोड़ा सा मैच इंजॉय करते हैं। उसके बाद रात का जो डिनर बन रहा है वो थोड़ा अलग कुछ बन रहा है, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे थोड़ी ही देर में। तो चलिए आज रात का डिनर आप लोगों को दिखाते हैं क्या बन रहा है। दोस्तों हम लोग यहाँ इतना ही गर्मी है, तो घर में क्या बैठे बैठे क्या करें, तो थोड़ा सा कस्टर्ड बना रहे हैं। कस्टर्ड मीन्स जो दूध में फ्रूट व्रूट दे के फिर उसको ठंडा होने दे देंगे तो आइसक्रीम जैसा हो जाएगा, बन जाएगा। तो दिखाते हैं कैसे बन रहा है। तो ये हम लोग का दूध उबालने दे दिए हैं, ये अभी उबल रहा है, देख ही पा रहे हो आप लोग। और ये है कस्टर्ड पाउडर को जो मिक्स कर दिया है थोड़ा सा पानी में, वो क्रेशर जैसा हो गया है थोड़ा सा। और यहाँ हम लोग फ्रूट लाए हैं, तो ये सब फ्रूट हम लोग कटिंग कर ले रहे हैं। उसके बाद इसको ठंडा होने देंगे दूध को, फिर इसको डालेंगे, फिर फ्रूट को डाल देंगे। ब्रेड जेली खा रही है ऋषिका, खा लो, देखो टेस्ट करके बताओ। अच्छे से आगे खाओ, पहले खाओ, अच्छे से खाओ। हाँ खाओ, अच्छा दिए दो तो खा लो, जल्दी खाओ। दोस्तों आज रात को हम लोगों का जो रात का खाना बन रहा है वो भी वो कुछ अलग बना रहे हैं, तो देखते हैं कितना दूर कितना अच्छा बन पाता है। तो देखिए पहले हम लोग बनाए हैं, ये प्याज को काट के रख लिया है, गाजर ग्रेस कर लिया है, और ये शिमला मिर्च है, यहाँ सलाद के लिए रखे हैं खीरा टमाटर और प्याज, और कुछ ब्रेड भी ला के रखे हैं, बटर इधर है। हम लोग प्याज डाल दिया है कढ़ाई पे, तेल गर्म हो चुका था, तो इसको अच्छे से हम लोग फ्राई करेंगे। पहले प्याज भी बहुत बारीक ही हम लोग काटे हैं, बहुत ही अच्छा काटी है। हम लोग इसमें शिमला मिर्च भी मिला दिए हैं दोस्तों, तो ये शिमला मिर्च अच्छे से गल जाएगा। उसके बाद हम लोग ये गाजर को देंगे, थोड़ा सा मिर्चा है वो भी देंगे। दोस्तों गाजर कैप्सिकम प्याज सब एक साथ मिक्स हो चुका है अच्छे से, तो इसमें हम लोग अब डालने जाएंगे ये ऑरिगेनो और थोड़ा मेयोनीज। ये दो चीज डालने के बाद ये मसाला हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको मिला लेते हैं अच्छे से। दोस्तों हम लोग का प्रिपरेशन पूरा रेडी हो चुका है और इसको फाइनली अब रेडी करने जा रहे हैं। तो ये ब्रेड हम लोग बटर लगा दिए हैं, ये मसाला, और यहाँ हम लोग का पूरा खीरा उरा और चीज़ प्याज टोमेटो सब रेडी कर लिए हैं, और यहाँ तवा भी गर्म हो चुका है। तो इसको पहले सजा लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं क्या बना रहे हैं हम लोग। और ये ऋषि का है ना बदमाशी, रुक जाओ बना लेते हैं खाना उसके बाद। तो बदमाशी करती रहती है सारा दिन, तो बस ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट हो ही चुका है आज, है ना। चलिए दोस्तों हम लोगों का सैंडविच रेडी हो चुका है, तो
ये देखिए कितना सारा सैंडविच हम लोग बनाए हैं, और ये हम लोग दोनों मिलके खत्म कर देंगे। तो गर्मी तो बहुत ही है, देख ही पा रहे हो पूरा पसीना पसीना हो चुका है। तो चलिए सैंडविच खा के आप लोगों को दिखाते हैं, मतलब बोलते हैं कैसे बनाए, और जेन्युइन वाला रिव्यू देंगे कुछ जैसा बनाए। अगर अच्छा बनाए तो अच्छा, और बुरा बनाए तो बुरा। इतना सुंदर बनाया कि मुंह से अभी बोले ही नहीं जा रहा है। तो क्या पूरा चीज पूरा एकदम अच्छे से, मिर्चा हम लोग जो लगाते हैं, और ये पूरा चीज इधर भी है। तो खाते हैं पहले, बहुत ही अच्छा बना है। इतना सारा है तो खाना भी है, तो खा लेते हैं। तो हम तो भूल ही गए थे, तो हम लोगों का सैंडविच खाना कंप्लीट हो चुका है, और सोने ही जा रहे थे तभी याद आया कि हम लोग तो आज वो कस्टर्ड बनाए थे, जो दूध और फ्रूट दे के बनाए थे आइसक्रीम जैसा, तो वो भी आज खाना है। तो मेरी मैडम ला गई, तो ये कस्टर्ड हम लोगों का बन के एकदम ठंडा ठंडा हो चुका है। इसको भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कैसा बना है। तो और इसमें काजू भी डाला गया है, देख पा रहे हो कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन काजू है। ये देखिए बहुत ही मस्त बना है, बहुत दिन बाद खाया। The next day, सिक्का चुदा सुखी। One, two, एक भाई पोटा। Let's shot, hey shot, some shot, say shot, go shot, go shot, some shot, go shot, go shot, go shot, सिक्का चुदा सुखी। One, shot, two, shot, एक भाई। Let's shot, hey shot, some shot, say shot, go shot, go shot, some shot, go shot, go shot, go shot। अबे, बस, बस। लोग सुबह सुबह कराटे स्कूल से आ गए हैं, कराटे क्लास हम लोग का कंप्लीट हो चुका है ना। तो अभी हम लोग बाजार उजार करके भी आ गए हैं। ये देखिए अभी 8:30 बज रहा है, हम लोग का कराटे कंप्लीट। आज संडे, अब फंडे, अब हम लोग मस्ती करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में दोस्तों। तो हम लोग ब्रश व्रश कर लिए, फ्रेश भी हो चुका है। तो अभी मैडम जी नाश्ता बना रही है। तो आज नाश्ते में फिर से हम लोग का सुबह ये है सैंडविच, और इधर चाय हम लोग का बन चुका है, और इधर रोटी परोठा बन रहा है। बाकी जने सुबह परोठा खाएंगे। और तो ऋषि का इधर ड्रेस चेंज करके खेलना स्टार्ट। मैडम जी हाय बोल दीजिए। हेलो। हाँ मैडम जी सुबह से काम कर रही है। तो नाश्ता वास्ता बना लेते हैं, उसके बाद बैठते हैं खाने पे, तो फिर मिलते हैं आपसे। तो चलिए दोस्तों, अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा एक बार निकल रहे हैं गाड़ी लेके, तो गेट खोल दिए हैं, तो गाड़ी को स्टार्ट भी कर दिए हैं। थोड़ा सा गर्म है तो थोड़ा सा इसको ठंडा करने के लिए दे दिए थे, जैसे ही देख रहे हो आप। तो चलिए इसको पहले निकालते हैं गाड़ी को। दोस्तों गाड़ी तो लेके निकल गए हैं, एक दोस्त को लेना है तो उसको लेंगे, फिर थोड़ा सा बाजार करना है वो करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो उस दिन उस दुकान को दिखाए थे आप लोगों को, तो वो दुकान में भी जाना है। तो वो दुकान में जाने के बाद मालूम चलेगा जो हम लोग मांगे थे वो चीज़ आया है कि नहीं, क्योंकि 2 दिन हो चुका है। तो पहले उस दुकान में जाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। प्रोडक्ट हम लोगों को लेने वाले थे, तो ये दुकान में फिर से आ गए हैं। तो ये हम लोगों का एसी आ चुका है, ये थोड़ी इधर में घर पहुंच जाएगा। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, गाड़ी भी स्टार्ट कर लिए हैं, तो चलते हैं घर। थोड़ी देर में उन लोग पहुंचा देंगे, देखते हैं। दोस्तों हम लोगों का जो एसी का मशीन जहाँ गए थे ऑर्डर दिए थे वो आ गया है, देख लीजिए। ये अभी ऊपर लगेगा,
तो चलिए दिखाते हैं कितना काम कर रहे हैं वो सब। ये वाला पुराना मशीन है और ये वाला नया। কোথায় আছে কোথায় কোথায় আছে সেটা বলো। দাদির ঘরে এসি কি নতুন না পুরনো? নিয়া না পুরানা? কি নিউ নিউ এসি? ও চলো 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 চলো। উসকো তো পাতাই নি, ও আবি নিন্দ সে উঠি হ্যায়। তো উঠনে কে বাদ দেখ রিয়ে তো মম্মি কে ঘর রুম মে এসি লগ গিয়া হ্যায়, তো ওই দিখানে যা রহি হ্যায়। ও ই ক্যা হ্যায়? हाँ न्यू एसी? ओ तुम्हारा तो नतुन एसी, वो तो नतुन है, नया है वो भी। तो उसको अभी पता ही नहीं चला कि वो एसी कब आके फिटिंग हो गया है, तो वो सो रही थी। तो अभी जाके उसको पता चला कि घर में नया एसी लग गया है। तो दोस्तों आज हम लोग घर में एसी लगने के खुशी में हम लोग चिकन बनाएंगे रात को। तो अभी चिकन लाने जा रहे हैं दुकान में, तो चिकन लाते हैं और फिर बनाएंगे। आज थोड़ा सा चिकन ड्राई ड्राई बनाएंगे, पूरा ड्राई, तो देखते हैं तो कैसे बनाते हैं। तो पहले चिकन लाने जाते हैं दोस्तों, चलिए चिकन लेने आ गए हैं। चिकन तो दोस्तों चिकन बनाने हम लोग तैयार हो गए, सब कुछ रेडी कर लिए हैं। तो जैसे कि यहाँ रात का चिकन में वो मैडम आलू खाती है बोल के, आलू प्याज ये सब कुछ हम लोग काट के रखे हैं। तेल यहाँ गरम हो रहा है और ऋषिका का यहाँ दूध रोटी वो भी हो रहा है, तो सब काम एक साथ कर लेंगे। तो जैसे ही रात का चिकन बनता है तो हम ही बनाते हैं, आप लोग देखते ही होंगे। और बदमाश आ गई है ना, बदमाशी करने हाँ जा रहे हैं। चलो तो शुरू करते हैं आज का चिकन बनाने का प्रोसेस, तो आप लोग बने रहिए। दोस्तों तो देखिए पहले हम लोग आज डाल दिए हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, वो पहले इसको तेल में अच्छे से मिला लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आलू फ्राई करके रख दिए हैं, प्याज अभी भी मेरा वैसे ही है। तो पहले मसाला को थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं, ये थोड़ा सा अच्छे से फ्राई हो जाएगा, उसके बाद हम चिकन डाल देंगे। तो चिकन डालने के बाद उसके बाद उसके साथ ही प्याज भी डाल देंगे, क्योंकि चिकन और प्याज एक साथ गल जाएगा, मसाला का जो स्मेल होता है वो थोड़ा सा पूरा फ्राई होने के बाद अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो उसके बाद चिकन को जल्दी से जल्दी पका लेंगे, ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाता है, आधा घंटा की 35 मिनट लगता है तो ये बन जाता है। दोस्तों नमक मसाला जो जो डालना था हम डाल दिए हैं, क्योंकि रात को अभी ऋषिका को पढ़ाने बैठी है मैडम जी, तो मैडम जी चली गई है, तो एक्चुअली मेरे को बनाना पड़ेगा, चलेंगे। तो चिकन ले लिए हैं और इसको अच्छे से अभी डाल देंगे। और कलेजी एक ही लिया है, तो इसको अच्छे से अभी मिलाएंगे। फिर इसमें प्याज डाल देंगे। देखिए दोस्तों आज थोड़ा सा अलग से बना रहे हैं, घर का आदमी खा के बेहोश ना हो गया। दोस्तों प्याज भी डाल दिए, टोमेटो भी डाल दिए, टमाटर, और इसको अच्छे से अभी फ्राई करेंगे। देखते हैं कैसा बन रहा है, आपका भाई कैसे बना रहा है। तो अब फाइनली जब बन जाएगा तो आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों हमारा चिकन रेडी हो गया है, अब खाने में बैठ चुके हैं, 11 बज चुका है। तो ऋषिका उधर है, उसका खाना वाना कंप्लीट हो चुका है, तो अभी वो मोबाइल लेके बैठी है।
नहीं तो हम लोगों को खाने नहीं देगी। तो 10-15 मिनट वो मोबाइल देखेगी, उसके बाद सो जाएगी। तो मेरा चिकन देखिए, ये है आज का चिकन। तो कैसा बना है वो तो हम खा के आप लोगों को रिव्यू देंगे। तो देखते हैं, ऐसे तो कलर में अच्छा ही हुआ है। तो रोटी निकालते हैं और खाते हैं, फिर दिखाते बोलते हैं आपको कैसा हुआ है। ऐसे जैसा हम लोग कोसा बोलते हैं ना, कोसा बंगाली में, तो कोसा मांस ही हुआ है, अलग कुछ नहीं है। अदरक लहसुन पहले डाल दिए थे और प्याज बाद में डाले चिकन के साथ, तो थोड़ा सा प्याज अभी भी है, पूरा गला नहीं है। तो खाने में तो एक ही जैसा लगा मेरे को, उतना अलग कर नहीं पाए। और तो चलिए, पहली बार ट्राई किए हैं तो खाने में अच्छा ही है, खराब नहीं बना है। तो खाते हैं दोस्तों। कल तो खाना वाना खा के सो गए थे, तो इस ब्लॉग को एंड ही नहीं किए थे, भूल गए थे। तो अभी इस ब्लॉग को एंड करेंगे और उसके बाद इसको एडिट करके अपलोड करके आप लोगों के पास पहुंचाना भी है। तो हम लोग अभी थोड़ी ही देर में और एक ट्रिप में निकलने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को बोले थे कि हम लोग को यहाँ वेदर थोड़ा सा भी ठीक हो जाए तो आप लोगों को अच्छे अच्छे जगह घुमाएंगे। तो आपका भाई एक छोटा सा ट्रिप करने वाला है अभी, तो निकलने वाले हैं। तो ये आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।